सुल्तानपुर में पिछले 15 दिन से लगातार विद्युत विभाग के खिलाफ किसानों ने जंग छेड़ दी है। ये सभी बिजली विभाग से इतने नाराज हैं कि अपने धरने को लगातार जारी किए हुए हैं और मांगे पूरी कराने पर टिके हुए हैं। आपको बता दें, सुल्तानपुर में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर ये किसान धरना दे रहे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बाबत अधीक्षण अभियंता राकेश प्रसाद का कहना है कि इन सभी किसानों की जो मांगे हैं उनमें से कोई भी जायज नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो अधीक्षण अभियंता ने किसानों को दलाल तक कह दिया। इसके अलावा अधीक्षण अभियंता ने क्या क्या कहा वो आप खुद सुनिए। मामला ये है कि पिछले एक हफ्ते से किसान लोग धरना दे रहे हैं और इनकी जो डिमांड है उसको क्या कहते हैं, इनकी कोई डिमांड जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। इनका ये कहना है कि कुछ हमारे बाबू हैं जिनकी ऑलरेडी जाँच चल रही है प्रॉपर्टी की, और इनका ये कि तुरंत उन पर कार्रवाई हो जाए, बिना जांच के हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने का आशा करते हैं, जो संभव नहीं। तो विभागीय एक प्रक्रिया है वो पूरी करनी पड़ेगी, और इनकी सही डिमांड कोई है ही नहीं है। सही डिमांड होती है कि आपके ट्रांसफार्मर ख़राब है, लाइन ख़राब है, बिजली नहीं आ रही है, वोल्टेज कम है। मेरे हिसाब से वो इनको बतानी चाहिए। तो अभी इसलिए इनका धरना कंटिन्यू है। इस संबंध में हमारे मुख्यमंत्री से भी इनकी बात हो चुकी है। तत्काल सोल्यूशन के लिए कि समस्या ये है कि इसमें से कुछ किसान लोग दलाल हैं, और जो क्या कहते हैं, जिनका पर्पज़, चूँकि विभाग यहाँ बिल डिवीज़न और कई चीज़ों पर सख्त कार्रवाई की गई है, ट्रांसफ़र हटाए जाने लोग, तो उनके लिए दबाव बनाना है। तो मैं उनको ये क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि ना तो कोई गलत काम करा पाएंगे मेरे रहते हुए, ना कोई बिल डिवीज़न करा पाएंगे। अगर वो उसमें है तो ठीक है, सही समस्या लेके आए, लेकिन अगर गलत कोई नज़र चाहें तो मैं होने नहीं दूँगा। मेरी उन लोगों से चेतावनी भी है कि वो विभाग में नाजायज इंटरफेयर, गलत काम कराना बंद कर दें। इसके लिए विभागीय और कानूनी जो कार्रवाई होगी मैं वो कर दूंगा उनके खिलाफ। अधीक्षण अभियंता ने तो इन्हें दलाल कह दिया, लेकिन जब इन्होंने इस बात को सुना तो यहाँ पर काफी गर्मा गर्मी हुई। इन किसान नेताओं का आरोप है कि घूस लेकर यहाँ कई लोगों का बिजली बिल माफ कर दिया जाता है। वहीं इन किसानों ने अधिकारियों पर भी पैसों में काफी बड़ा घपला करने का आरोप लगाया। मामले पर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात सिंह का कहना है कि ये लोग कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने करोड़ों का घपला किया है। वहीं इन्होंने दो कर्मचारियों का नाम भी लिया और कहा कि पूरा जिला जानता है कि ये दोनों अधिकारी कितने भ्रष्ट हैं। इसके बाद इन लोगों ने काफी बड़े बड़े आरोप लगाए और कहा कि ये काफी गलत बात है कि किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को दलाल कहा जाए, जबकि वो तो सिर्फ इतनी ही मांगे कर रहे हैं कि जिनका वो नाम ले रहे हैं उन पर एक कार्रवाई हो जाए। बिल भैया ऐसा जैसे किसी का 10 साल 15 साल का बिल बकाया है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बकाया है, तो इनके विभाग के कर्मचारी लाइनमैन ये सब लेके 50,000 60,000 जो अपना 50% 60% पे सेट करते हैं, पूरा गोरख धंधा पूरे जिले में फैला हुआ है, 50-60% पे सेट करते हैं, पैसा ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं 5,000 बिल मीटर रीडिंग जो होती है वो घटा देते हैं। मीटर रीडिंग घटा के उसको मतलब अपना JEE SDO जैसे भी रिपोर्ट लगाते हों अप्रूवल करके वो ख़त्म कर देंगे। बिल 4-5 हज़ार सरकारी कोष में जाएगा, बाकी 45-50 हज़ार AC साहब एक्सी सर। बहरहाल यहां पर प्रदर्शन करने वालों को अब दलाल की संज्ञा दे दी गई है, तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरना दे रहे किसानों की मांगों पर कितनी कार्रवाई होगी और उनकी कितनी सुनवाई होगी। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।